तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज ऐसी रेसिपी जो नमकीन की तरह बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर मैंने, आपने देखा, एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। तो घर की ही चीज़ों से ये आसानी से बन जाता है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो है, आप इसे चाय वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जमाइन क्रश करके डाल देती हूँ इसमें, और यहाँ पर डाल दूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दूंगी, और डालूंगी यहाँ पर चाट मसाला और नमक डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हाथों की मदद से अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम आटे में डालेंगे रिफाइंड या फिर घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेल्ट किया हुआ घी डाला है, तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने छोटा चम्मच, तो 4 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया था घी को। तो आप चाहे तो सरसों का तेल छोड़ के कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप भी इस तरह बनाइए। तो हम इन्हें अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। घी को मिला लिया है, ये झटपट से बन जाते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम इसका डो लगाएंगे। तो थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है इसे। तो अब हम इसका डो लगा लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा डो लग के तैयार हो गया। हमें इसी तरह का चाहिए था, इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए था, इसी तरह का थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे, हल्का। तो ये हमारा सेट हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे इसी तरह चकले पे कर लेंगे। तो इसकी हम लोई काट लेंगे इस तरह से, और इसकी इसी तरह से लोई बना लेंगे, और इसे हम बेलेंगे। तो इसी तरह हम बेल लेंगे इसे। साइड हटा दिया, तो इन्हें साइड कर लेंगे और इन्हें इसे हम इसी तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे, यानी कि बेल लेंगे। तब इसका हम बनाएंगे, क्योंकि हल्का सा मोटा रहता है ना बेल लेंगे, इसीलिए। तो बस, तो इसी तरह अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा भी बेल लेंगे। बस, तो इसे भी हम इसी तरह फोल्ड करते रहेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह सारा हम बेल कर फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है, ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा हाई तेज गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, जिससे ये कुरकुरे रहें, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे और ये सॉफ्ट रहेंगे। तो इसी तरह हम डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे हम। तो हमारे ये देखिए फ्राई हो चुके हैं,
तो हम इन्हें निकाल लेते हैं और भी चलते हैं और फ्राई कर लेंगे जो बचा हुआ है। देखिए हमने बना लिया है नाश्ता अपना कुरकुरा सा, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा है ये। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, एकदम झटपट से बन जाने वाला और थोड़े ही सामान में ये बन जाता है। बच्चे तो इसे बहुत ही प्यार से खाते हैं और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो आप भी इस तरह से बनाइए और इंजॉय करिए। तो मेरा वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।